में नवनिर्मित मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को देखने जाएंगे, जो अपने आप में अगर हम स्वास्थ्य सुविधाएं कहें उसमें एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे, वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं राजकोट, ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, और बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के ये कार्यक्रम। मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में, ये एटकोट में अस्पताल है। इस समय आप देखें, प्रधानमंत्री जो हॉस्पिटल है वहाँ पर मौजूद हैं, और ये तमाम जो ट्रस्टी हैं जो इस हॉस्पिटल का संचालन करेंगे, इस हॉस्पिटल को गरीबों को जो समर्पित किया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री उनके साथ एक ग्रुप फोटो लेते हुए, और इसके बाद प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे इस हॉस्पिटल की फीता काट कर, और उसके बाद ये जो अस्पताल है ग्रामीण इलाके की, करीब 10 लाख की जो आबादी है उसको मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएगा। ये एक बड़ा विज़न है प्रधानमंत्री का, और जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे लगातार कोशिश करते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके, और उसका जो लाभ है वो निचले तबके के हर व्यक्ति तक पहुँचे, ये कोशिश रहती थी। और यही वजह है, आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले गए, अस्पतालों की जो संख्या है वो बढ़ाई गई। और इस समय प्रधानमंत्री, आप अगर देखें तो अस्पताल के उद्घाटन कर रहे हैं, और फीता काट कर प्रधानमंत्री ने इस ग्रामीण इलाके में, राजकोट के ग्रामीण इलाके में अस्पताल का उद्घाटन किया, और आज से ये अस्पताल तमाम गरीबों को समर्पित होगा, तमाम उन लोगों को समर्पित होगा जो अपना इलाज इस ग्रामीण इलाके में कराना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर उनको नहीं जाना होगा। प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लेते तमाम ट्रस्टियों के ये बच्चे हैं जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, और एक ऐतिहासिक पल है उसके गवाह हैं। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं तो बच्चों से रूबरू होते हैं, और इस समय भी एक बच्चे से प्रधानमंत्री ने बात की, और आज के बाद ये तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस अस्पताल गरीबों को समर्पित होगा, जहाँ पर तमाम तरह की बीमारियों का इलाज ये लोग करवा सकते हैं। तो एक बड़ी सौगात है इस इलाके के लोगों के लिए, क्योंकि राजकोट और जामनगर के बीच में अगर देखें तो एक बड़ी आबादी है, और सिर्फ राजकोट जामनगर ही नहीं बल्कि सुरेंद्र नगर, इसके अलावा अमरेली, ये आसपास के जो ज़िले हैं, 10 लाख के करीब आबादी इस अस्पताल का जो लाभ है वो लेगी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री, अगर आप देखें कि किस तरह से रूबरू हो रहे हैं अस्पताल में आए लोगों से, और इसके बाद प्रधानमंत्री देखेंगे कि किस तरह की सुविधाएं इस अस्पताल में मौजूद हैं। और आपने देखा होगा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने जब स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय बजट वेबिनार को संबोधित किया था तो उसमें हेल्थ सिस्टम पर काफ़ी उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी कि आने वाले समय में भारत का जो हेल्थ सिस्टम है वो किस तरह से रहेगा। उन्होंने कहा था कि हमारा फोकस हेल्थ पर तो है ही, इसके अलावा कल्याण पर भी हमारा फोकस है, और प्रधानमंत्री इसके लिए लगातार प्रयास भी करते रहते थे। और इस बात का उन्होंने जिक्र करते हुए 3 फैक्टर उन्होंने पेश किए थे सामने, कि जिस तरह से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो विस्तार है वो होना चाहिए, और इसके अलावा आयुष जैसी हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अनुसंधान है उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस समय अगर आप देखें प्रधानमंत्री भगवान गणेश की जो पूजा है वो करते हुए, और
दीपक जलाकर शुरुआत की है। और कहते भी हैं कि भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं, तमाम जो दुख हैं उनको हरने वाले हैं। और ये अस्पताल तो निश्चित तौर पर जो तमाम लोग आएंगे अपने कष्टों को लेके आएंगे, ये अस्पताल उन कष्टों को हरेगा। और भगवान गणेश की पूजा के साथ ही तमाम जो लोग हैं वो इस अस्पताल में पहुंचेंगे और अपना जो इलाज है वो करा पाएंगे बहुत ही कम दामों में। और आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य पर फोकस उन्होंने किया है, प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त करने के लिए करीब 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसके निर्माण का कार्य तेज़ी से चल रहा है। और अभी भी देश भर में अगर हम बात करें 85,000 से अधिक सेंटर्स रूटीन चेकअप, वैक्सीनेशन और टेस्ट की सुविधाएं दे रहे हैं। और इस बार के भारत के अगर हम बजट की बात करें तो इस बार भारत ने मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम की जो सुविधा है उस पर भी फोकस किया है। और प्रधानमंत्री लगातार हेल्थ केयर को लेकर हमेशा सक्रिय रहे। और इस समय अगर देखें फीता काटकर और उसके बाद ये शुभारंभ, अस्पताल का करते हुए जो श्री पटेल सेवा समाज है उसके द्वारा ये अस्पताल गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री और इस अस्पताल से जुड़े ट्रस्टी। और इस समय अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जो इस अस्पताल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं इस अस्पताल में मौजूद हैं उनका निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं कि ये अस्पताल कैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनका इलाज करेगा। इस समय अगर देखें तो प्रधानमंत्री जो आईसीयू है उसके अंदर इस वक्त प्रधानमंत्री इमरजेंसी में हैं, इमरजेंसी में देख रहे हैं कि क्या सुविधाएं वहां पर। ये 8 बेड का इमरजेंसी था जिसका उन्होंने अवलोकन किया और उनको बताया गया कि किस तरह की सुविधा है। इस अस्पताल में 200 बेड है, 64 आईसीयू है और बच्चों के लिए एनआईसीयू है जहां पर नवजात शिशु का इलाज होता है। ये अस्पताल मध्य सौराष्ट्र में है और आसपास के जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसके जो करीब 800 से ज़्यादा गांव हैं, उन गांव के जो निवासी हैं उनको ये स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ा हुआ है ये अस्पताल। और हमने देखा कि राजकोट में ही एम्स, राजकोट में एम्स बन रहा है और 750 बेड का एम्स बन रहा है और ये श्री पटेल सेवा समाज के द्वारा संचालित ये अस्पताल। तो इस जो सौराष्ट्र का इलाका है वहाँ पर हेल्थ की जो बुनियादी सुविधा है उसको एक तरह से बढ़ाया जा रहा है। नीरज, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार कार्य कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर, उसकी जो झलक है वो दिखाई भी दे रही है। और जिस तरीके से तमाम जो सुविधाएं हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में डेवलप की जा रही हैं, और इस समय प्रधानमंत्री निरीक्षण करते हुए कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं की जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से सुसज्जित ये अस्पताल है जहाँ पर गरीब और तमाम ऐसे लोग जिनके पास पैसे की कमी है वो अपना मुफ्त जो इलाज है गरीब लोग वो यहाँ पर करा सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है इस ग्रामीण इलाके में। और ये इस समय अगर आप देखें तो ये दूसरा ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। और जो सुविधाएं है इस ऑपरेशन में कि किस तरह से
ऑपरेशन यहाँ पर किया जाएगा, किन किन सुविधाओं से ये ऑपरेशन थिएटर लैब है, ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार इस अस्पताल में मौजूद है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के साथ साथ मेडिकल एयर और वैक्यूम की सुविधा इस अस्पताल में मौजूद है, जो बताती है कि ये अस्पताल कितना अत्याधुनिक है। और दूसरी, अगर हम इसके आईसीयू की भी अगर बात करें तो यहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा मौजूद है, उसी आईसीयू में नर्स कॉलिंग सिस्टम है कि कोई अगर मरीज़ है और उसको कोई परेशानी है तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको एक बटन दबाना है और उसके पास जो नर्स है वो पहुँचेगी। इसके साथ साथ 7 फंक्शन मॉनिटर की सुविधा मौजूद है उस आईसीयू में, जिसमें हार्ट, बीपी, ऑक्सीजन लेवल, तमाम जो चीज़ें हैं वो लगातार चलती रहेंगी और जो डॉक्टर है, जो नर्स हैं, वो लगातार व्यक्ति को मॉनिटर कर सकते हैं जो मरीज़ है। इसके साथ साथ ही बच्चों के लिए भी काफ़ी अत्याधुनिक सुविधाएं इस अस्पताल में मौजूद हैं। फोटोथेरेपी जैसी सुविधा है कि अगर कोई बच्चा है, उसको डिलीवरी के समय कोई परेशानी है या डिलीवरी के समय पीलिया है, तो उसको फोटोथेरेपी इस अस्पताल में दी जा सकती है और जो पीलिया है उसका कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। इसके साथ ही सिरिंज पंप एक सिस्टम है जिसमें सही मात्रा में जो दवा है वो बच्चे तक पहुँचे, उसका भी सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। बच्चों का मॉनिटर है जिसमें बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो लगातार दिखाता है, और इस समय देखें आप जो प्रधानमंत्री हैं अस्पताल को देखते हुए। और इसी आईसीयू की मैं बात कर रहा था कि यह वो आईसीयू है जहाँ पर प्रधानमंत्री जो अस्पताल के सीईओ हैं उनसे ब्रीफ लेते हुए और सीईओ उनको बताते हुए कि आईसीयू में किस तरह की सुविधा है। जो बेड आपको दिखाई दे रहा है वो बेड किसी भी मरीज़ की ज़रूरत के हिसाब से मूव हो सकता है, तो ये एक कह सकते हैं कि अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो अस्पताल में मौजूद हैं। और अब प्रधानमंत्री अस्पताल के दूसरे हिस्से में जाते हुए, और ये आयुष्मान भारत की एक डेस्क है जहाँ पर आयुष्मान भारत जिनके पास कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, वो यहाँ पर आ सकते हैं और अपना जो इलाज है वो करा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर उनको सुविधा मिलेगी। और इसके साथ साथ ही जो उनको अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो यहाँ मिलेगी। इसके साथ ही जन औषधि का भी एक केंद्र है यहाँ पर कि कोई अगर सस्ती दवाइयाँ लेना चाहता है तो उसको सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी। इस अस्पताल की खासियत है कि इसको इस तरीके से संचालित किया गया है कि इनके जो तमाम जो ट्रस्टी हैं जो हर साल जो पैसा देंगे, उस पैसे का जो गरीब लोग हैं उनको जो इलाज है वो मुफ्त किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनसे 70% सस्ता जो इलाज है वो यहाँ पर हो सकता है उन गरीब लोगों का, तो ये एक कह सकते हैं बड़ी बात है। और ये बच्चों के जो सेंटर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हैं, यही वो यूनिट है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जिसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि जहाँ फोटोथेरेपी जो मशीन है वो लगी हुई है। इसके अलावा जो बॉडी जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए जो मॉनिटर है वो यहाँ पर मौजूद है, तो किसी भी बच्चे का जो जिसकी डिलीवरी के समय अगर स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वहाँ पर उसका जो इलाज है वो बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस समय नितेंद्र हमारे साथ हैं और विस्तार से बताएंगे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। नितेंद्र, नीरज, हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तमाम बड़े कोशिश किए गए प्रधानमंत्री की तरफ से। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 64,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जाए, इस पर खर्च किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री का डिजिटल हेल्थ मिशन पर जोर है, इसलिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है ताकि हर व्यक्ति के पास एक हेल्थ आईडी हो और उसको जो पर्ची लेकर जाना पड़ता है डॉक्टर के पास उससे निजात मिल सके। ये डेस्क है आयुष्मान भारत का, जहाँ पर अगर आयुष्मान भारत के लाभार्थी है वो यहाँ पर आकर इलाज कर सकता है, करा सकता है, या फिर अगर किसी के पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है तो इस अस्पताल में आकर के वो कार्ड भी बनवा सकता है।
और बाकी अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, उसका भी यहाँ पर मुफ्त में इलाज होगा, वो ट्रस्ट के द्वारा उसका खर्चा उठाया जाएगा। तो ये सुविधा यहाँ पर की गई है। जैसा कि मैंने कहा कि जो डिजिटल हेल्थ मिशन पे प्रधानमंत्री का काफ़ी जोर है, और अब तक 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हेल्थ आईडी बन चुके हैं, और उसमें करीब 11,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी भी इस मिशन से जुड़ चुके हैं, और 55,000 से ज़्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जो लैब हैं, दवा दुकान है, वो भी इससे जुड़ गए हैं। तो आने वाले दिनों में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा हेल्थ सेक्टर में, उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, ताकि हर व्यक्ति डिजिटल तौर पे अपने मोबाइल पे ही, मोबाइल के क्लिक पे उसको तमाम वो सुविधा मिले कि उसके घर के आसपास कौन सा अस्पताल है, कौन से डॉक्टर हैं, और उसको तमाम हेल्थ सेक्टर की जो सुविधाएं हैं वो मिल सके। इसी तरीके से हर राज्य में एम्स खोलने की बात हो रही है, तो जिसमें 22 एम्स को मंजूरी मिल चुकी है, 15 एम्स में काम चल रहा है। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन में काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के सीटों में अगर हम देखें कि MBBS में 75% से ज़्यादा सीट की बढ़ोतरी हुई है, और PG की सीटों में भी 93% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। तो ये बड़े कदम हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री का हमेशा से जो रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ हर आम और खास आदमी को मिले, सहज भी हो, सुलभ भी हो, और सस्ती दर पे इलाज मिल सके। नीरज, बिल्कुल सही कहा नितेंद्र, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो लोहा है वो भारत का लोहा पूरी दुनिया ने माना है, और कोरोना वैक्सीनेशन में हमारा जो कोविन जो पोर्टल है वो किस तरीके से उसके माध्यम से हम तमाम लोगों तक पहुँचे, तमाम लोगों तक जो वैक्सीन है वो पहुँची। और इसके साथ साथ ही अगर आप देखें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और कंज्यूमर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में एक आसान इंटरफेस है वो उपलब्ध कराता है, और उसका जो लाभ है वो भी जो आम लोग हैं मिलता है उसको, और देश में इसके साथ उपचार पाना और देना दोनों ही काफ़ी सस्ते हुए हैं। और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र भी करते रहे कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग है वो होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जब अस्पताल में पहुँचे, ये खूबसूरत जो तस्वीर है या